ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आपको अभी फॉर्मूला नजर आ रहा है, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने लिखा हुआ है ए एक्स के ऊपर है स्क्वायर, वो मैं स्क्वायर भी लिख रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होता क्या है, ए बी सी आर योर नंबर्स कोफिशियंट और एक्स स्क्वायर एक्स इज अननोन वेरिएबल, ये ऐसे वेरिएबल हैं जिनको हम फाइंड नहीं कर सकते। ये आपका ये आपने किया भी हुआ है, इसका फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये सी लिखा हुआ है, एक्स नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अच्छा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपकी इक्वेशन की टाइप हो गई। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हमने करना कैसे आसान सा करेंगे। ये भी नहीं, माइनस फाइव सही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपने ये पहचानना होगा कि आपका ए की वैल्यू कौन सी है। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए होगी। अगर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स दैट कि वहां पे आपका जो है वो क्या है, ए है वन आपका। अगर आपको ये पता चल गया तो आपके लिए क्वेश्चन आसान। अब एक्स के साथ क्या वैल्यू है, बी है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का फाइव, इस सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ पे है सी इक्वल्स टू सिक्स, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास ए बी सी है जो क्वेश्चन में थे, मैंने उनको देख के इनको ए बी सी फॉर्मूले से देख के इनको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब याद रखिएगा, ये आपके पास जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये वैल्यू इधर मैं पुट करूंगा, मैं ट्राई करूंगा इधर ही इसको पुट करने की, इधर ही पुट करूंगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास ये माइनस है, बी की वैल्यू है माइनस, और एक माइनस फॉर्मूले का है, तो मेरे पास दो माइनस यूज होंगे, एक फॉर्मूले का और एक बी की वैल्यू जो क्वेश्चन में था वो यूज होगा। अब माइनस फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, सिक्स अपॉन ए जो है आपका वो वन है, ये तो अब सिंपल हो जाएगा।
अगर आपको लोगों को ये समझ में नहीं आया दोबारा सुन लीजिएगा। ए की जगह मैंने पुट करा है 1, ये देखिए मेरे पास बी की वैल्यू ये रही, मैं आपको बता भी देता हूँ, दिस इज योर बी, बी पे लगा हुआ स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो मैंने ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का था, ये मेरा बी की वैल्यू माइनस है तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इस माइनस को इस माइनस से जब करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, प्लस प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सिक्स को फोर से करवाओगे तो क्या आएगा 24। उसके बाद हम क्या करेंगे, टू अंदर टू हो जाए, अब 25 माइनस 24 कितना आएगा, ये अगर प्लस माइनस की अगर आपने मिस्टेक कर दी तो ये क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो थोड़ा प्लस माइनस मिस्टेक से अवॉइड कीजिएगा। ये हो जाएगा √1, आप कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, जो 1 का रूट होता है वो 1 ही होता है, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन, अच्छा ये सबके नीचे है ना, ये यहां तक करने के बाद अभी भी मेरे पास ये कुछ x की वैल्यू हमें नहीं पता चल रही किस तरह आई है, मतलब एक एक जो नॉर्मल वे में आती है वैसे नहीं आई, तो इसको मैं करने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, x इक्वल्स टू, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात लिखूंगा, ये थोड़ा सा देखिएगा, आइदर और किसी भी जगह आइदर लिख सकते हैं, किसी भी जगह और लिख सकते हैं, कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस, 5 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 5 प्लस माइनस, प्लस माइनस अब यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने आइदर और लिख दिया है, तो अब सिर्फ मैं इसमें प्लस यूज करना चाह रहा हूँ, आप आइदर में माइनस भी यूज कर सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं 5 प्लस 1 6, और 6 का निकालोगे तो कितना आता है 3, एक मेरी वैल्यू एक्स की कितनी आ गई 3। अब मैंने निकालनी है एक्स की सेकेंड वैल्यू, तो ये मेरी एक्स की जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाएगी, हियर इज योर आंसर। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जैसे हम लिखते थे, एक का आ जाएगा 2 और एक का आ जाएगा 3। एक दफा दोबारा से इसको रिपीट करेंगे, दोबारा से बताऊंगा मैं आपको इसको कैसे करना है। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दी जाती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज योर फॉर्मूला। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में देखिएगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ आपकी कोई सी भी वैल्यू, कोई सा भी नंबर होगा वो a होगा, एक्स की पावर 1 जो होगी उसके साथ कोई भी नंबर होगा वो b होगा, और जो c की वैल्यू होगी वो 6 होगी। ये अगर आपने निकाल लिया उसके बाद आपने जो फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है,
सबसे मैंने पहले वैल्यू पुट की बी की, बी की वैल्यू थी माइनस का फाइव। जब मैं माइनस का फाइव पुट करूंगा तो एक फॉर्मूले का है और एक माइनस का है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मैं आगे बढ़ूंगा, अब ये माइनस फाइव का स्क्वायर, आप कैलकुलेटर में माइनस फाइव लिखें, ब्रैकेट यूज करें और स्क्वायर लिखें, आपको आंसर उसका प्लस में 25 ही मिलेगा। 6 4 6 6 6 4 24 आ जाएगा और नीचे 2 2 आ जाएगा। 25 माइनस 24 1, 1 का रूट 1 होता है, 5 प्लस माइनस इस तरह आ जाएगा। अब जब मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो आइदर और करूंगा, आइदर में एक ले लूंगा 5 प्लस का 1/2 और मैं ले लूंगा 5 माइनस 1/2। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 प्लस 1 6 6/2 सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 4/2 इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x²-4x+3 है = 0 है। अब इसको किस तरह करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप आपने वही करना होगा, बार बार याद रखिएगा, पहले स्टेप में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। x² के साथ जो आपकी वैल्यू होती है, मैं आपको सर्कल भी बना के बताता हूँ, ये आपकी पूरी वैल्यू ए होगी, ये पूरी वैल्यू आपकी बी होगी और ये पूरी वैल्यू आपकी सी होगी। इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब करूंगा इसको आगे पीछे करूंगा तो आप लोग बताइएगा कौन सी वैल्यू ए बी सी है। यहाँ पे ए आपका 1 हो जाएगा, बी आपका -4 हो जाएगा और सी आपका 3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो -4, क्योंकि ये बी की वैल्यू है, अब देखें -4 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको मैंने कहा भी था। आप जब कैलकुलेटर में करेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। आप पहले ब्रैकेट लिखें फिर माइनस का स्क्वायर करें तो आपको प्लस का 16 मिलेगा, ये 4 3 12 हो जाएगा और आपका आंसर नीचे 2 आ जाएगा। 4 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, प्लस माइनस। अब वैसे ही आप कर सकते हैं इसको, एक वैल्यू को आप आइदर लें, दूसरी को आप और कर दें इसको। फोर प्लस क्या था, 4 प्लस 2 ये आइदर है मेरा। आइदर मीन्स आप दो वैल्यू जो प्लस माइनस में आएंगे उनको सॉल्व कर रहे हो, और ये और है।
और ये 6 है, हेयर इज योर अनदर क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया है। आपको इसका भी आइडिया होगा, आइडिया हो गया होगा कि अब हमने इसको किस किस तरह सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये हमने दो क्वेश्चन इसके कर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और दोनों ही बहुत आसान और इतने मुश्किल हैं नहीं है। तीसरे क्वेश्चन थोड़ा सा इसको लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ट्राई करूंगा अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर बता दीजिएगा मुझे। सिर्फ इसका जस्ट आपने आंसर बताना है कि मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ। एक मेरे पास क्वेश्चन है, 3x² उसके बाद है +10 ये आपके पास क्वेश्चन है और सॉल्व इसको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मैं आपको जो हिंट है मेन वो दे देता हूँ, ए बी सी की वैल्यू बता देता हूँ। ये जो है ना, सॉरी ये मैंने 3 का लिख दिया, मैंने आपको एबीसी की एक में आई थिंक मैं आपको वैल्यू ही बता देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होगा आप अभी ट्राई करें, अगर नहीं होगा तो मैं आपको जल्दी से फिर खुद ही बता दूंगा। आपने जस्ट इसका कैलकुलेटर से आंसर भी बता सकते हैं। ये हमारे पास 3 है, ये मेरे मैंने ए बी सी तीनों की वैल्यू लिख दी है, ये ए है, ये बी है और ये हो गया आपका सी। अब आपने ए बी सी की वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें और जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। साथ साथ मैं आपको इसको सॉल्व करवा देता हूं। अब मैंने यहां तक करने के बाद, क्योंकि जो मेरी लास्ट वैल्यू थी वो मेरे पास -25 लिखा हुआ है, तो मैंने 25 लिखा है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 4 को अगर 25 से करवाएं तो ये 100 आ जाएगा प्लस का, 100 को करवाएं तो 300 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करवाएं तो 100 हो जाएगा। इन सब वैल्यू को जब आपस में करवाएंगे तो
100 प्लस 300 डिवाइड करोगे किससे, 6 से, 2 को 3 से करवाओगे 6 होता है, ये बाहर जो है वो आपका माइनस, मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू लिख ली है कि माइनस 10 प्लस माइनस, अब 400 करो हाँ, किसी ने किया है बिल्कुल ठीक किया है, सही है, बहुत सही है, सही बिल्कुल आपने सही किया है, सही है सही है, दोनों का सही क्वेश्चन बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। अब आप वही इसका बहुत से लोगों ने कर भी लिया है, तो 400 का जब आप रूट लेंगे तो वो 20 हो जाएगा, फिर इसको आइदर और करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो फिर तो इसी से ही करेंगे, अगर आपके पास लिखा हुआ है सॉल्व और साथ में ये अलजेब्रिक जो आपका एक्सप्रेशन है वो लिखा हुआ है, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने फैक्टराइजेशन करनी होगी, आपने टेबल को मल्टीप्लीकेशन करवानी होगी। अगर सॉल्व लिखा हुआ है जो वो तो फिर आपकी मर्जी है, वो आप क्वार्टिक से करें या उससे फैक्टराइजेशन से करें वो आपकी मर्जी है। अब ये जिस तरह है कि 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 75 आएगा, फिर कुछ 15 को 5 से करवाएं तो वो भी 75 आएगा, प्लस माइनस करें तो फैक्टराइजेशन से भी इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं आपको एक इसी का एक क्वेश्चन बता भी देता हूँ फैक्टराइजेशन से, 3x² ताकि आपको दोनों में करने में मुश्किल ना हो। क्वेश्चन क्या था, 10x माइनस 25। देखो सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का क्या होता है, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाना। जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 25 को 3 से करवाएंगे, ये याद रखिएगा, मैंने आपको उस वक्त क्लास में बताया था 25 को 3 से करवाओ तो क्या आता है, 75 आता है। अब आपने एक ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें 75 आए तो आए लेकिन साथ में 10 भी आए, तो 15 को 5 से करवाएं, भी आएगा और इसको प्लस माइनस करवाएं तो क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं 15 अब दोनों तरीकों से आंसर आपका सेम आएगा, मैं आपको जस्ट वे बता रहा हूं, यहां से 3x कॉमन ले लें। अच्छा आप लोग जब 3x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसमें से भी वही आइदर और कर देंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, तो इसको एक बार लिखें ये इस तरह लिख लें। अब x की वैल्यू है माइनस 3 प्लस का 3 है, उधर जाके हो जाएगी माइनस का 3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये इधर नहीं है, ये इक्वल की उस तरफ है, और 3x इक्वल्स टू माइनस का 5 है, पहले उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन से भी दो वैल्यू आ जाती है, उससे भी आ जाती है, इसको फैक्टराइजेशन से भी करते हैं
कोई ऐसा नहीं है।